आज थोड़े से सुर खराब है मेरे क्योंकि आई एम हैविंग कफ एंड कोल्ड। हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शिवांगी। अपनी आवाज़ सुन रही हूँ, मुझे बहुत वियर्ड लग रही है, बट ओके, हम बनाएंगे आज की वीडियो क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ एंड ये वीडियो मुझे तभी शूट करनी थी, बट आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने कहा आज ही कर लेते हैं। एंड आपको देख के पता चल गया होगा हम किस बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं, मीशो वर्सेस सरोजनी नायडू। मैंने बहुत सारे चैलेंज वीडियोज ऐसे देखे हैं जो कि अंडर अ बजट होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दो ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो। तो वन थिंग फॉर श्योर वॉज सरोजनी नगर, एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना हम मीशो के साथ ये चैलेंज करते हैं। तो मैंने 1000 रुपीज़ का चैलेंज लिया है। 1000 रुपीज़ का हम एक आउटफिट बिल्ड करेंगे सरोजनी नगर से, एंड 1000 रुपीज़ का हम एक आउटफिट बिल्ड करेंगे मीशो से। तो एक्चुअली ऑर्डर मैं अपना पहली प्लेस कर चुकी हूँ एंड ये सारा सामान आ चुका है मीशो से। इसमें से मैंने बस फुटवेयर खोल लिया था क्योंकि मुझे लगा कुछ और पार्सल है, बट वो उसमें ये था। उसके अलावा मैंने अभी कुछ भी नहीं खोला है, हम साथ में अनबॉक्स करेंगे। सरोजनी नगर भी मैं होके आई हूँ, घूम के आई हूँ पूरा, एंड उसका व्लॉग और हॉल में डाल दूंगी लाइक सेपरेटली। अभी मैं आपको इसमें सिर्फ वही कपड़े दिखाऊंगी जो मैंने चैलेंज के लिए खरीदे थे। तो मैंने सोचा कि मैं 1000 रुपीज़ में मीशो से कपड़े मंगाऊंगी, बट मैंने ना बहुत सारे चीप ऑप्शन सर्च करे क्योंकि मैंने सोचा था एक अच्छा सा आउटफिट बिल्ड करेंगे। अगर आपका भी लाइक बजट हो कुछ एक अच्छा आउटफिट पिक करने का तो आप बना सको उसको देख करके। तो मैंने थोड़ा ऐसे सोचा कि मतलब एक स्टाइलिश सा अच्छा सा आउटफिट बनाते हैं, पर थोड़ी सी विंटर्स भी आ रही थी तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा सा हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ऐसा आउटफिट जो आप थोड़ा सा लेयर वेयर कर सको आराम से। बट जब मैं सरोजनी नगर गई वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया उस चीज़ का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों आउटफिट्स रखेंगे एंड देन यू गेट टू डिसाइड कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और मैंने अभी कुछ भी ट्राई नहीं करा है इनमें से, लिटरली मैंने सब सामान ऐसे ही रख रखा है। और आई थिंक शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कौन सी चीज़ कितने की है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ गाइस, हो जाता है कभी कभी, बाकी मैं सब स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो पहले हम मीशो से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने भी अभी अनबॉक्स नहीं करा है, एटलीस्ट सरोजनी नगर का मुझे पता है कि क्या है। तो यस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इससे। आई थिंक इसमें टॉप है जो मैंने मंगाया है। ओके यस, इसमें है टॉप जो कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे छोटे बच्चों की बनियान होती है। ओके यस, इट इज लाइक दैट। सो दिस इज द टॉप, ये मतलब एक क्रॉप टॉप है, काफी अच्छा लगा मुझे। इसको आप आराम से जैकेट वैकेट के साथ भी लेयर कर सकते हो। मुझे ऐसी चीजें पर्सनली बहुत पसंद है जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सको। तो इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मीशो पे आपको पता है प्राइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो मैंने जब ऑर्डर किया था मैं आपको उस हिसाब से प्राइजेस दिखाऊंगी, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। तो ये जो टॉप है ये मुझे पड़ा है 170 रुपीज़ का। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मीशो वालों के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड ये है 170 रुपीज़ का, एंड 170 रुपीज़ में काफी अच्छी क्वालिटी है। तो या दिस वॉज द टॉप। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉटम। तो ये है इसका बॉटम। नाउ मैं ये बॉटम ना काफ़ी टाइम से मेरे को मीशो में ऐसे ही शो कर रहा था, मैंने विशलिस्ट भी करा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आई थिंक दिस इज समथिंग जो इसके साथ में जाएगा एंड काफ़ी अच्छा भी लगेगा। दिस इज आर डेनिम स्कर्ट। पता नहीं मैंने कब से एक डेनिम स्कर्ट ओन नहीं करा। आई थिंक मैं स्कूल में थी जब मेरे पास एक डेनिम की स्कर्ट होती थी, एंड उसके बाद से मैंने आज डेनिम की स्कर्ट खरीदी है। ओके वाओ यार, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मेरे पास ना ऐसी मिड लेंथ में कुछ लोगों को, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरा थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से है कि मैं शॉर्ट ड्रेसेस या शॉर्ट्स पहनना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि आई हैव लॉन्गर लेग्स। इसलिए मैं आजकल मैक्सी ड्रेसेस एंड मिड लेंथ या नी लेंथ तक की चीज़ें मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, एंड ये एक मैक्सी डेनिम की स्कर्ट है जो कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी एंड मैंने अपनी विश लिस्ट में ऐड करी हुई थी। ऐसी एक सिमिलर मैंने मिंत्रा की विश लिस्ट में भी ऐड करी हुई है, बट आई थिंक आई हैव गॉट माइन। पीछे इलास्टिक है इसमें बट थोड़ा सा ही है, और मैंने वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही मंगाई है। मेरा वेस्ट साइज है 28। यार आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट विद दिस टॉप। एंड आप इसको ना विंटर्स में भी पेयर कर सकते हो, इसके नीचे आप लेगिंग्स पहन सकते हो, बूट्स पहन सकते हो, एंड इसके साथ आप अच्छी सी लेदर जैकेट ले सकते हो, एक मस्त आउटफिट बनेगा ये। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ क्विकली। तो इसका प्राइस जब मैंने खरीदा था तो था 477 रुपीज़, एंड आई थिंक 477 रुपीज़ के हिसाब से ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। डेनिम भी ना वो एकदम हतला पेपर डेनिम नहीं है, अच्छा मोटा थिक फैब्रिक है,
और यार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा था पता नहीं जैसी पिक्चर में लग रही है वैसी आएगी भी या नहीं, बट या आई एम वेरी मच हैप्पी विद इट। बट आउटफिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे गाइस, क्योंकि हम थोड़ा सा उसको एक्सेसराइज भी करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं ऑलरेडी खोल के देख चुकी हूँ, हम फुटवेयर की बात कर लेते हैं। ओके, तो इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने मंगाई है ये फुटवेयर। आई थिंक कोई ब्रांड है शायद, उसका ऐसा कुछ लोगो वोगो है, उसकी कॉपी है बर्किनस्टॉक करके या आई डोंट नो, एंड मुझे नहीं पता, मैंने बाद में नोटिस किया कि ये तो उसकी कॉपी जैसा लग रहा है। देखने में तो क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है मेरे को, मतलब कंफर्टेबल सी लग रही है। इसका प्राइस है 274 रुपीज, एंड इट भाई 274 रुपीज में मुझे तो काफी सही लगी ये फुटवेयर। एक चीज और बची है अभी हमारे आउटफिट में, वो है हमारा बैग। ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस? मुझे लगा था बहुत छोटा आने वाला है, मैं पिक्चर लगा देती हूँ यहाँ पे। मुझे लगा था इसका साइज बहुत छोटा होगा, बट ये तो अच्छा खासा बड़ा बैग है। एंड कैन यू सी द डिटेलिंग, गोल्ड एंड पर्ल वाली। एक ही जिप है, मतलब जिप एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। इस बैग में भी काफी सारे कलर्स थे, अभी एक्चुअली ना ये आया हुआ रखा था 4-5 दिन से, तो थोड़ी सी इसकी शेप खराब हो गई है। या आई थिंक अब थोड़ी बेटर लग रही है, या अब थोड़ी बेटर लग रही है। एंड इसमें ब्लैक, वाइट, ब्राउन बहुत सारे कलर्स थे, बट मुझे लगा हमारे आउटफिट के साथ में वाइट जाएगा। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो जो हमारा बैग है और जो हमारा टॉप है, ये सेम प्राइस के ही हैं, दोनों 170 रुपीज के हैं। एंड उस हिसाब से अब मैं आपको एक बार पूरा टोटल बता देती हूँ। तो हमारी स्कर्ट, टॉप, बैग और फुटवेयर मिला के हमारा टोटल हुआ है 1091 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये एक्सीड कर दिया, बट मैंने एक्सीड नहीं करा, क्योंकि ऑनलाइन पे करने पे मुझे 91 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो मेरा टोटल हो गया फिर से 1000 रुपीज। लेट्स मूव ऑन टू द सरोजनी नगर का आउटफिट। एंड अभी इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, देन प्लीज मेक श्योर टू डू इट फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज लाइक दिस। तो जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फुटवेयर रखा है, तो मैं फुटवेयर से स्टार्ट करती हूँ। एंड यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर दिस। मैंने आई थिंक कल इस फुटवेयर की फोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली थी, एंड बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो अगर आप इंस्टाग्राम से आए तो आप समझ गए होंगे कि आप क्या देखने वाले हो। ये है ईवे लाई वाली चप्पल। ओ माई गॉड, आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विद ईवे लाइज। तो ये मेरे को मार्केट में आई थिंक जाते ही मेरी पहली परचेज थी, जो कि मैंने शायद सरोजनी नगर में घुसते के 5 मिनट के अंदर ले डाली थी। एंड मैंने बस उनको बोला इसमें मेरा साइज दिखा दो, उन्होंने मेरा साइज दिखाया, एंड मैंने कहा पैकेट, कोई बार्गेनिंग नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो फिक्स प्राइस वाली होती है, एंड दिस वॉज वन ऑफ दोज शॉप्स ओनली। एंड इसका प्राइस है 250 रुपीज, बट यार ये बहुत प्यारी है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपके एथनिक आउटफिट्स के साथ भी जाएगी और ये आपके वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ भी जाएगी, जीन्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। एंड आई थिंक अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो ना आप इसको इजिली सूट्स वगैरह के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे फिश स्केल्स होते हैं ना, लाइक मछली की खाल, थोड़ा थोड़ा ना वैसा इफेक्ट सा है इस पे। जस्ट लुक एट इट, यार बहुत प्यारी चप्पल है ये, ऐसे देख रही हूँ इसको, बहुत प्यारी चप्पल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने आउटफिट क्या परचेज किया है, बट उससे पहले लेट मी शो यू द बैग। मैं कितनी सॉर्टेड होके बैठी हूँ ना, यहाँ मैंने मीशो का सामान रख रखा है, यहाँ मैंने सरोजनी नगर का सामान रख रखा है, ये भी ईवे लाई है गाइज। तो आई डोंट नो, पहले ऐसा नहीं होता था, बट सरोजनी में ना रिसेंटली ऐसे क्लॉथ बैग्स मिलने लगे हैं, एंड इस पर लिखा है बी काइंड टू योर माइंड। आई फाउंड इट वेरी नाइस, द कोड इज रियली नाइस, एंड उसमें साथ में एक आई बनी हुई है। ईविल है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट आई बनी हुई है, और काफी ज्यादा सिंपल बैग लगा मुझे ये। एंड कभी कभी ना यू रियली नीड समथिंग लाइक दिस, लाइक अ झोला टू कैरी अराउंड। अगर मेरी तरह हो ना आपको, या तो इतने ज्यादा बैग वैग्स कैरी करना पसंद नहीं है, तो यू नो आप कुछ भी लाइक आसपास ही कहीं जा रहे हो, मार्केट तक जा रहे हो, तो आप इसको कैरी कर सकते हो। काफी ज्यादा ना थिक है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, स्टिच अच्छे से हुआ हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि थ्रेड्स वगैरह निकल रहे हो। एंड वो आपको प्राइस कोट करेंगे 150, बट आई गॉट इट इन 100 रुपीज, एंड आई थिंक आपको 100 में ही मिल जाएगा, एंड 100 आई थिंक इज अ गुड प्राइस फॉर दिस वन। और काफी सारे ऑप्शन थे, स्टारबक्स के साइन वाला था, एंड बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए थे, बट या आई लाइक दिस वन, बी काइंड टू योर माइंड, बी काइंड टू योर माइंड। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द आउटफिट नाउ। तो मैंने सोचा था कि हम लेंगे सरोजनी नगर से कुछ अच्छा सा वेस्टर्न आउटफिट, एंड देन मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया वहाँ पे जाकर के। मैंने देखा वहाँ पे कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे, बहुत 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 प्यारे, बहुत सारी वैरायटी में, बट थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो मैंने लिया है एक
कॉर्ड सेट जो कि है इस बहुत ही प्यारे एक्वा ग्रीन एंड ब्लू के कलर्स में। ये दो कैटेगरीज हैं, एक है कि आपको टू पीस वाला कॉर्ड सेट मिलेगा विच इज लाइक अ शर्ट एंड पैंट्स या फिर टॉप एंड पैंट्स। देन देर इज दिस कैटेगरी जिसमें आपको मिलेगा शर्ट, देन आपको मिलेगा पैंट्स एंड देन आपको मिलेगा उसके अंदर पहनने का टॉप। उल्टा है, यहाँ से सीधा है। या सो ये एक थ्री पीस कॉर्ड सेट है एंड मैंने ना ये जब मैं पहली किसी शॉप पे गई थी जहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉर्ड सेट देखे थे, मैंने ना ये वही पसंद कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे प्राइस पूछी, उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ कोट किया एंड मतलब वही थोड़ा बहुत बार्गेन करके वो बोले 800 रुपीज़। मैंने कहा इतना तो मेरा पूरा ही बजट है। उसके बाद फिर मैंने एक और शॉप पे देखा, उन्होंने भी प्राइस कम नहीं करे। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो ठीक है इसको रहने देते हैं, कोई भी इसके प्राइस कम नहीं करेगा। उन्होंने आई थिंक 800 के मुझे 700 बोले थे बट स्टिल आई फाउंड इट एक्सपेंसिव। बट जब मैं लास्ट शॉप पे गई एंड विदाउट एनी होप मैंने कहा चलो ये है यहाँ पे तो मैं पूछ ही लेती हूँ क्या प्राइस है, तो उन्होंने मुझे इसका प्राइस कोट किया 700 रुपीज़। तो मैंने सोचा कि एक लास्ट ट्राई करते हैं, मैंने उनको बोला कि भैया मैं आपको इसका 500 रुपीज़ दे सकती हूँ एंड देन उन्होंने मना कर दिया। आई वॉकड अवे बट देन ही कॉल्ड मी अगेन एंड आई गॉट दिस फॉर 500 रुपीज़। आप इसको अलग से भी पहन सकते हो जीन्स के साथ में, यार ये वाइट पैंट्स के साथ में बहुत अच्छी लगेगी। एंड देन वी हैव अ पैंट्स जिसमें हमारे पास पॉकेट्स भी हैं, आई थिंक एक पॉकेट है हमारे पास, एक साइड हमारे पास पॉकेट है। इलास्टिकेटेड पैंट्स हैं, काफ़ी अच्छी हैं एंड थोड़ी सी लाइक लूज वाली हैं। एंड उसके साथ में हमारे पास है ये टॉप जो कि पैडेड है एंड दिस इज द स्टाइल ऑफ द टॉप, और पीछे से ये भी इलास्टिकेटेड है तो आई थिंक वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम है। एक छोटी सी चीज है जो रह गई है। ओके सो आई हैव गॉट दिस पेयर ऑफ इयररिंग्स। नाउ मैं यहाँ पे ना एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, मेरे सामने एक ऐड आया किसी कंपनी का, मैं उनका नाम हाइड कर दूंगी, आई एम नॉट गोना शो दैट। दे आर सेलिंग दीज एग्जैक्ट इयररिंग्स फॉर 150 रुपीज एंड आर यू रेडी टू नो द प्राइस कि ये कितने के लेकर आई हूँ मैं? 30 रुपीज के। तो ये बहुत ही प्यारे लगे थे, ये भी मैंने एक्चुअली पहले ही ले लिए थे बट लकीली हमारे आउटफिट के साथ मैच कर रहे हैं तो हम इनको पहनेंगे इनके साथ में। और ये इयररिंग्स 30 रुपीज़ के हैं, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये पहने देखा है। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा टोटल कितना हुआ है। तो हमारा कॉर्ड सेट है 500 रुपीज़ का, हमारा जो बैग है वो 100 रुपीज़ का है, हमारा जो फुटवेयर है वो है 250 रुपीज़ के एंड जो हमारे इयररिंग्स है वो है 30 रुपीज़ के। तो इस हिसाब से हमारा टोटल हो गया है 500, 600, 750, 850, 880 रुपीज़। तो ये 1000 रुपीज़ भी नहीं पहुँच। वन मोर थिंग, मीशो वाला सारा सामान ना हमें घर पे डिलीवर हुआ है 1000 रुपीज़ में एंड 850 रुपीज़ में हम गई भी हैं सरोजनी नगर, आई भी हैं, तो आई थिंक हमें 1000 ही मान लेना चाहिए है उसको। अब मैं आपको जल्दी से ट्राई करके दिखा देती हूँ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। आपने देखा ये कैसा लग रहे हैं दोनों पहन के, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अगर लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज कमेंट डाउन बिलो विच इज योर फेवरेट लुक एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे चैलेंज वीडियोस बनाती रहूं तो कमेंट करके बताओ मुझे। एंड या दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय, टेक केयर।